Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Today we are going to take revision on your second chapter polynomial. So friends, we already study what is by polynomial, right? Polynomial kya hota hai, ye humne already dekha hai. To uske upar hum log thoda sa examination view se thoda revision karenge kyunki aapka periodic test hai. To पॉलिनोमियल पता है तो पहले व्हाट इज माय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म होती है, वो सभी टर्म में जो वेरिएबल की पावर होती है उसमें से हाईएस्ट पावर जो होगी वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी ये एक टेबल मैंने बनाया है, तो योर दिस इज योर फर्स्ट पॉलिनोमियल 4x प्लस 2. अभी यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट टर्म 4x, सेकंड 2 है. तो फर्स्ट टर्म जो 4x है उसका वेरिएबल का पावर आपका क्या है? 1 है. ओके, सेकंड टर्म में वेरिएबल का पावर आपका 0 है, उसमें हाइस्ट है आपका 1. सो देयर फोर 1 इज अ 0 डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है. अभी ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इसमें फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का पावर आपका 2 है, सेकंड टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल नहीं, इसका मतलब वेरिएबल का पावर 0 होता है. तो यहाँ पे हाईएस्ट आपका 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2. थर्ड पॉलिनोमियल में देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल का पावर 3 है वो सबसे हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट नंबर है. सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. ओके, फोर्थ आपकी 7 यानी कि कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट नंबर को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. तो ये 7 जो है यहाँ पे वेरिएबल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम वेरिएबल वहाँ पे उसकी पावर 0 लेके प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसा कि ये 7 का मतलब होता है 7 × 1. ये 1 हम लोग पावर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 7 × x^0, बिकॉज x^0 इज 1, है ना. तो 1 हमने x^0 लिखा है, यानी कि 7 × x^0. तो ये कांस्टेंट नंबर 7 हमने वेरिएबल की फॉर्म में इसी तरह लिखा है. तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर आपकी क्या है? 0 है. तो इसका मतलब इसका पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है, और दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0. और हमने ऑलरेडी देखा है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होता है? 0 होता है. तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री बता सकते हैं. तो आप लोगों को MCQ में आ सकता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल दी जाएगी और उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बताओ, तो इस तरह 1 मार्क्स के लिए आ सकता है. ओके, हमने कल भी देखा था. नाउ व्हाट इज बाय लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर. क्वाड्रेटिक क्या है? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक. क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने देखा है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये हमने कल डिस्कस किया था, अगेन नो नीड टू डिस्कस. और हमने ये जो पॉलिनोमियल दी गई थी उसको क्लासिफाई भी किया था, उसमें से कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है. ओके, उसी तरह मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये भी हमने ऑलरेडी देखा है. मोनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल. मोनोमियल जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होती है उसको बोलते हैं बायनोमियल. जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल. तो ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं हम लोग. अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. हाँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? Px कोई भी पॉलिनोमियल है. ओके, Px इज एनी पॉलिनोमियल. और इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम लोग कोई भी रियल नंबर रिप्लेस करते हैं. सपोज k रिप्लेस किया, तो x की जगह k रिप्लेस किया, तो p ऑफ k ये जो वैल्यू हमें x की जगह k पुट करने के बाद हमें कोई तो भी वैल्यू हमें मिलेगी. ओके, इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ k. ये जो वैल्यू उसको डिनोट करते हैं p ऑफ k मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k. p ऑफ k का मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू k. So pk is called x value of the polynomial px at x is equal to k. तो ये k की जगह कोई भी रियल नंबर, सपोज 2 पुट किया, तो x की जगह 2 पुट किया, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज जनरेटेड बाय p ऑफ 2.
ओके, एक्स की जगह सपोज 5 पुट किया तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इज जनरेटेड बाय पी ऑफ 5। तो पी ऑफ 2 का मतलब या पी ऑफ 5 का मतलब एक्स की जगह ये नंबर पुट करना है। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी ये एक पॉलिनॉमियल दिया गया था, ओके पी एक्स इज अ पॉलिनॉमियल। अभी एक्स की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे तो एक्स की जगह तो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है कि पी ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह इसमें 2 पुट किया, एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 3 एक्स मीन्स 3 इंटू 2 ये माइनस 4, सिंप्लीफाई किया तो वी गेट माइनस 6। सो दिस माइनस 6 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये माइनस 6 को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसी तरह हम लोग कोई भी वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कोई भी रियल नंबर के लिए निकाल सकते हैं। ओके, तो हमने ऑलरेडी देखा है। नाउ व्हाट इज बाय जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, किस नंबर को जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है और इसमें एक्स की जगह हम लोग कोई भी यदि रियल नंबर पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू एनी रियल नंबर यानी कोई भी रियल नंबर हम लोग की बोलते हैं, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल यानी कि पी ऑफ के होगा। और ये जो वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल यदि आपका जीरो आ गया देन के इज अ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, तब ये के जो है उस पॉलिनॉमियल का क्या होता है, जीरो होता है। कब एक्स की जगह के पुट किया और के पुट करने के बाद ये पॉलिनॉमियल का वैल्यू आपका जीरो आ गया तो दिस के इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। उसी तरह सपोज पी एक्स कोई भी पॉलिनॉमियल है, पी एक्स इज एनी पॉलिनॉमियल। ओके, और यदि हम लोग एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल यानी कि पी ऑफ 2 यदि आपका 0 आ गया देन 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, तब 2 उसका क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो एग्जांपल भी हमने कल देखा था, सपोज ये आपका पॉलिनॉमियल है इसमें एक्स की जगह माइनस 1 पुट किया तो पी ऑफ माइनस 1, एक्स की जगह माइनस 1 पुट किया तो एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 एक्स मीन्स माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल माइनस 1 और ये माइनस 4 है जिट, इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका वैल्यू आता है 0। ये पॉलिनॉमियल का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद 0 आ गया, देयरफॉर दिस माइनस 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, सो माइनस 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, उसी तरह एक्स इज इक्वल टू 4 पुट किया तो पी ऑफ 4 ये आपका 0 आ गया, देखा था हमने कल, ये आप लोग कर सकते हैं, 0 आ गया तो इसलिए x इज इक्वल टू 4 इज ऑल्सो 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो इसी तरह 0 का मतलब होता है पॉलिनॉमियल में हम लोग x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, पुट करने के बाद उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू यदि 0 आता है देन दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, तो ये हमने कल ऑलरेडी देखा था। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जांपल। तो पहले गिव द एग्जाम्पल ऑफ बायोनॉमियल ऑफ डिग्री 3। बायोनॉमियल, बायो मीन्स दो टर्म वाला और उसका डिग्री 2 होना चाहिए, ऐसा कोई भी आप लोग वेरिएबल लेके पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ बायोनॉमियल, बायोनॉमियल मीन्स दो टर्म वाला और डिग्री 35। तो कोई भी एग्जाम्पल जैसा कि एक एग्जाम्पल 5u प्लस 2x रेस टू 35 या 5 माइनस भी लिया तो चलेगा, इसमें दो टर्म है। ओके, और इसका पावर ऑफ वेरिएबल 1 है या फिर 35 यानी कि हाइस्ट 35 तो डिग्री 35 है। सो दिस इज करेक्ट फैक्ट, करेक्ट पॉलिनॉमियल। ये नंबर आप लोग कोई भी ले सकते हैं, है ना, इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि 2x माइनस 30x रेस टू 35, दिस इज ऑल्सो बायोनॉमियल विथ डिग्री 35, है ना, या पी रेस टू 35 माइनस 39 पी रेस टू 4, है ना, दिस इज ऑल्सो बायोनॉमियल, दो टर्म है और उसका डिग्री 35। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दो टर्म होना चाहिए और डिग्री 35 होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देना है मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स वन टर्म वाला, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक सिंगल एक ही टर्म वाला और डिग्री 100, तो उसका एग्जाम्पल माइनस 7 वाई रेस टू 100। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर्टिकुलर मैंने ये दिया, आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि 9 पी रेस टू 100। ओके, इस एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है, और कोई भी माइनस 4 बाय 3 वाई रेस टू 100, डिग्री 100 आना चाहिए यानी पावर 100 लेना है और एक ही टर्म वाला, एक ही टर्म है ये। ओके, एक ही टर्म, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोमियल। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल
दे सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। नाउ फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एग्जांपल 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल दी जाएगी उसके जीरो फाइंड कीजिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, पी एक्स प्लस टू ये लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जीरो फाइंड कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी फार्मूला देखा है, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो का फार्मूला है, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी की जगह बी का यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म आपका 2a अपॉन ए मीन्स 5u यानी कि -2/5u। सो -2/5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, दूसरा एक तरीका है कि ये जो पॉलिनोमियल दी है उसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करना है, यानी कि ये 5x+2 इसको जीरो के साथ इक्वेट करके भी हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं, जीरो का मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ये 5x इज इक्वल टू, ये 2 ट्रांसफर किया तो इट बिकम -2, सो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2, ये 5 ट्रांसफर किया तो अपॉन 5, सो वी गेट x इज इक्वल टू -2/5, ये आता है आंसर। ओके, तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं ये, या इसी तरह भी ये जो पॉलिनोमियल दी गई है जीरो के साथ इक्वेट करना है और सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सेम, फाइंड द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 2x-3। पॉलिनोमियल दी गई आपके 2x-3, इसके जीरो फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये पॉलिनोमियल जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, तो ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स उसको जीरो के साथ लेना है। सो टेक पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स मीन्स 2x+3 जीरो, ये सॉल्व करना है, ये 3 जो ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड से राइट साइड में, सो लेफ्ट साइड में आपका 2x एज इट, दिस 3 बिकम -3, ये 2 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू माइनस, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू -3/2, सो -3/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 2x+3। ओके, या डायरेक्ट फार्मूला भी यूज किया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का फार्मूला आपका है -b/a -b, b यानी कि क्या कॉन्स्टेंट टर्म, क्या आपके 3 है अपॉन ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 2 है, सो -3/2 इसी तरह कीजिए, ये इस तरह नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर इफ द पॉलिनोमियल x^4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, और हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा है, पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, आपका रिमाइंडर थ्योरम देखा है हमने, पी एक्स इज बी एनी पॉलिनोमियल, ओके, मे बी लिनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक या ऑफ एनी डिग्री, एंड उसको यदि एक्स माइनस ए से हम डिवाइड करते हैं, दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर आपका होता है पी ऑफ ए, देन रिमाइंडर आपका क्या होता है पी ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम, और ये थ्योरम हमने देखा ऑलरेडी। तो आपकी पी एक्स यानी कि ये पॉलिनोमियल दी गई है एक्स माइनस ए से, यानी कि एक्स माइनस वन से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स माइनस ए कंपेयर करेंगे तो ये का वैल्यू आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपका ये पी एक्स है तो आपका रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ 1 होगा, पी ऑफ 1 इज अ रिमाइंडर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, तो वी नो दैट द रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल एंड इज एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर है, एंड पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, तो इसी तरह कंपेयर करके हो, तो ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग पी एक्स से डिनोट किया, पी एक्स इज इक्वल टू x^4 माइनस प्लस x³ -2x² प्लस एक्स प्लस 1। ओके, नाउ पी एक्स इज डिवाइडेड हियर x-1, x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ 1, एंड पी ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसमें एक्स की जगह 1 पुट करना है, तो इसमें एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो x^4 मीन्स 1^4 प्लस x³ मीन्स 1³ -2x² मीन्स -2 इंटू 1² प्लस एक्स मीन्स प्लस 1 एंड ये प्लस 1 एज इट, आफ्टर सिंप्लीफाइंग 1^4 आपका 1 ही होगा प्लस 1³ भी 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी कि -2 इंटू 1 प्लस ये 2 इंटू 2 हो गया 2, ये आपका पहले 1 प्लस 1 का जो 2 ये -2 इंटू 1 ये -2 प्लस 2 एज इट, ये प्लस 2 -2 कैंसल आपका गया 2, सो योर रिमाइंडर इज 2।
यदि पॉलिनोमियल को एक्स माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है टू। तो इसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल दी जाती है और किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, या ये जनरली ये बायनोमियल है, बाय यानी कि दो टर्म वाला, तब ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। ओके, एक्स माइनस ए, यदि यहाँ पे एक्स प्लस वन रहता, सपोज ये एक्स माइनस वन है इसलिए प्रॉब्लम नहीं, सपोज यहाँ पे यदि एक्स प्लस वन है तो ये एक्स प्लस प्लस जो है माइनस के फॉर्म में हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, एक्स माइनस ऑफ माइनस वन, माइनस माइनस बिकम प्लस, ये याद है, तो ये एक्स माइनस ए के फॉर्म में लिखना है, एक्स माइनस ए के फॉर्म में आ गया, कंपेयर किया तो ए का वैल्यू आपका क्या होगा, ए का वैल्यू आपका माइनस वन होगा, तब आपका रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ माइनस वन होगा, देन योर रिमाइंडर इज पी ऑफ माइनस वन। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, यदि डिवाइजर आपका x प्लस ए या फिर प्लस के फॉर्म में, तो ये माइनस के फॉर्म में लिखना है, तो माइनस के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ये प्लस, ये हम लोग माइनस ऑफ माइनस ए लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस ए। ओके, अभी x माइनस ए के फॉर्म में आ गया, यानी कि ए की जगह माइनस ए, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ माइनस ए होगा, तब रिमाइंडर आपका पी ऑफ माइनस ए, तो ये ध्यान में रखना है, ये जो डिवाइजर है ये माइनस के फॉर्म में लिखना है, ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस के फॉर्म में इसलिए नो प्रॉब्लम, यदि प्लस के फॉर्म में है तो हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। अनदर एग्जांपल, सपोज यहाँ पे एक्स माइनस टू की जगह, एक्स माइनस टू की जगह सपोज एक्स प्लस थ्री है। ओके, तो हाउ टू राइट एक्स प्लस थ्री इन द माइनस फॉर्म, एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री, माइनस माइनस बिकम प्लस, तब आपका ये की जगह क्या होगा, माइनस थ्री, तब आपका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ माइनस थ्री होगा, एंड p ऑफ माइनस थ्री की जगह मीन्स x की जगह माइनस थ्री पुट करना है। ओके, तो इसी तरह हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वन एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ k, इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस k, k का वैल्यू फाइंड करना है, ये एक जो पॉलिनोमियल दी गई है उसमें ये के अननोन है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमें दिया गया है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर है और हमें फैक्टर थ्योरम पता है, फैक्टर थ्योरम हमने देखा है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर थ्योरम, हमने फैक्टर थ्योरम ऑलरेडी देखा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x, देन p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, p ऑफ a का मतलब ये जो पॉलिनोमियल दी जाएगी उसमें x की जगह ये पुट करना है और जीरो लेना इक्वल टू, तो इसका यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, तो हाउ टू सॉल्व इट, देखिए, तो इस एग्जांपल में हमें ऑलरेडी दिया गया है कि x माइनस वन, दिस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल दी गई उसको हम लोग पहले पी एक्स से डिनोट करना है, पी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के, पी एक्स से डिनोट कर दिया और x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ x माइनस ए, ये की जगह वन है तो आपका p ऑफ वन क्या होगा, जीरो होगा, सो देयरफॉर p ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। अभी लेफ्ट साइड में p ऑफ वन का मतलब ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसमें x की जगह वन पुट करना है, तो 4x क्यूब मीन्स 4 इंटू एक्स यानी कि 1 क्यूब, 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 1 की जगह x की जगह 1 लिया उसका यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 4x यानी कि माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ये 1 का क्यूब आपका 1 आता है एंड 4 इंटू 1 यानी कि 4, ये 4 हो गया, उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 इंटू 1 इज 3, ये माइनस 4 इंटू 1 प्रोडक्ट माइनस 4 प्लस के एज इट इज इक्वल टू जीरो, ये प्लस फोर माइनस फोर कैंसल, वी गेट थ्री प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ये थ्री ट्रांसफर किया, यहाँ पे थ्री प्लस है तो उधर माइनस होगा, सो के इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो वी गेट हियर के इज इक्वल टू माइनस थ्री। ओके, तो इसी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, ये पॉलिनोमियल चेंज हो सकती है, पॉलिनोमियल अलग अलग दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो k लास्ट में था, k कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ x हो सकता है, कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब भी हो सकता है, कभी कभी कोएफिशिएंट ऑफ x भी हो सकता है, बीच में अननोन नंबर कहीं भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट में जो है ए बी सी डी जो वैल्यू है वो वहाँ पे कहीं भी अननोन नंबर हो सकता है,
एक फैक्टर यदि हमें दिया गया है तो हम लोग वो अननोन नंबर इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, करना है। ओके तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। ओके नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये ऑलरेडी हम लोग देखा है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है आपकी। ओके वेयर इज नॉट जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी आपका क्या है कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके अभी इसका फैक्टराइजेशन करते समय हम दो केसेस यहाँ पे केसेस बने। फर्स्ट केस है इफ इज अदर देन वन, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि अदर देन वन है, एक के अलावा कोई भी नंबर है, तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, तो पहले क्या करना है ए और सी का प्रोडक्ट करना है, ए इंटू सी एन ए सी हो गया। ओके देन वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर ऑफ ए सी, ये जो ए सी मिले उसके दो फैक्टर फाइंड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज ए सी बट देयर सम इज बी, बी आना चाहिए उनका जो बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट हमने ए सी फाइंड किया है ए सी, इसके दो फैक्टर फाइंड करना है उनका प्रोडक्ट ए सी बट जोड़ बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी आना चाहिए। सपोज ये दो फैक्टर ए एंड सी है, उनका दोनों का प्रोडक्ट ए सी आएगा और ए प्लस सी का जोड़ बी आएगा, ये दो फैक्टर सपोज है। ओके दैट इज ए इंटू सी इज ए सी एंड ए प्लस सी इज बी, ऐसे दो फैक्टर हमने फाइंड किए कौन से ए और सी। देन वी कैन स्प्लिट दिस मिडल टर्म, ये जो मिडल टर्म है इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर, ये दो फैक्टर हमने जो फाइंड किए उसके फॉर्म में लिखना है फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट ओनली स्प्लिट द मिडल टर्म। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट बेस कैन रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ये दिस टू फैक्टर यानी कि वी कैन राइट ए एक्स प्लस सी एक्स इस तरह लिखा है प्लस लास्ट टर्म सी एज इट। तो इसी तरह यहाँ पे ये मिडल टर्म्स हमने स्प्लिट किया है, ये मिडल टर्म बी एक्स हमने कैसे लिखा है एक्स प्लस सिक्स। अभी इसका पहले दो टर्म का एक ग्रुप बनाना है, सेकंड दो टर्म का एक ग्रुप बनाना है। अभी पहला जो ग्रुप बना है उसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स, एक्स कॉमन निकाल लिया तो आपका ब्रैकेट बच जाएगा एक्स प्लस वन। सेकंड ग्रुप में सी कॉमन दिखाई दे रहा है, सी कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट में बच जाएगा एक्स प्लस वन। अभी यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन है एक्स प्लस वन, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे बच गया आपका एक्स और इधर प्लस सी यानी कि एक्स प्लस सी। सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हेन इफ इज अदर देन वन, ये अदर देन वन है तो इसी तरह कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। ओके सेकंड केस देखते हैं उसका पहले एग्जाम्पल। सब अभी एक एग्जाम्पल है टू एक्स स्क्वायर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या है टू है। ओके यानी कि ए का वैल्यू टू है अदर देन वन है, सो हियर ए इज इक्वल टू टू अदर देन वन, बी का वैल्यू आपका माइनस एट है सी का वैल्यू सिक्स है। ओके तो ए का वैल्यू टू अदर देन वन है तब हम फर्स्ट फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू सी, ए इंटू सी ए आपका टू है इंटू सी सिक्स है, ये आपका है प्रोडक्ट 12। अभी हमें ये जो 12 है आपके ए सी का प्रोडक्ट इसके दो फैक्टर फाइंड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज प्लस 12 बट सम इज बी, बी बी मीन्स माइनस 8, जोड़ उनका माइनस 8 लेकिन प्रोडक्ट प्लस 12 आना चाहिए, ऐसे तो फैक्टर फाइंड करना है। तो विच आर द टू फैक्टर्स, तो टू फैक्टर्स आर माइनस 2 माइनस 6। देखिए प्रोडक्ट प्लस 12 आता है उनका दोनों का जोड़ माइनस 8 आता है करेक्ट, सो दिस आर द करेक्ट फैक्टर माइनस 2 माइनस 6 आर द करेक्ट फैक्टर करेक्ट। सो रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर माइनस 6 माइनस 2 या माइनस 2 माइनस 6 करेक्ट। नाउ वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर माइनस 6 और माइनस 2, ये दो फैक्टर के फॉर्म में हमें मिडल टर्म माइनस 8x लिखना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट ये है उसमें फर्स्ट टर्म आपका 2x पर एज इट माइनस 8x हमें लिखना है ये दो फैक्टर के फॉर्म में यानी कि माइनस 2x माइनस 6x। ओके प्लस लास्ट टर्म आपका 6 एज इट, तो ये स्टेप हमें मिल गया। यहाँ पे पहले दो का एक ग्रुप बनाना है दूसरे दो का एक ग्रुप बनाना है। फर्स्ट ग्रुप में देखिए फर्स्ट ग्रुप जो है आपका उस ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप है, इसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 2x फर्स्ट ग्रुप में, तो 2x कॉमन निकाल लिया तो आपका बच जाएगा x माइनस 1। सेकंड ग्रुप में माइनस 6x प्लस 6 है ना, लेकिन हमें x माइनस 1 चाहिए तो उनका साइन चेंज करना है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 6 कॉमन निकाल लिया। माइनस 6 कॉमन निकालने के कारण इनका साइन चेंज हुआ है, तो ये माइनस x बिकम प्लस x रहेगा और 6 में से
प्लस सिक्स में से माइनस सिक्स कॉमन निकला तो माइनस वन। ओके अभी देखिए ये एक्स माइनस वन ब्रैकेट कॉमन है, वी कैन टेक इट इन सेकंड ब्रैकेट, यहाँ पे बच गया टू एक्स और ये माइनस सिक्स। सो वी गेट द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स इज वॉट एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस सिक्स। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इसी तरह हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ओके ओके तो सेकंड केस यहाँ पे इसी तरह यदि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो हमने देखी है, सेकंड केस जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए की वैल्यू यदि वन है, ए की वैल्यू वन है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, तो इसका मतलब ये पॉलीनोमियल इसी तरह होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होगी। ए का वैल्यू वन है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन है, वन हम यहाँ पे लिखते नहीं, वन एक्स स्क्वायर, नो नीड टू राइट वन एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट डायरेक्टली एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का वैल्यू क्या आपका वन है। तब क्या करना है, डायरेक्टली ये जो कॉन्स्टेंट टर्म सी है उसके दो फैक्टर फाइंड करना है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज प्लस सी बट जोड़ बी होना चाहिए, जोड़ बी होना चाहिए। सपोज ये पी एन क्यू है, इनका दोनों का प्रोडक्ट सी है और जोड़ बी है, तब उसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना है, एक्स पहला फैक्टर आपका प्लस पी इंटू एक्स दूसरा फैक्टर भी प्लस टू, तब उसका फैक्टराइजेशन इसी तरह करना है। ओके तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, सपोज एक एग्जाम्पल है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है यानी कि ए का वैल्यू वन है। ओके तब ये जो आपका कांस्टेंट टर्म सी जो है सिक्स, इसके दो फैक्टर प्रोडक्ट प्लस सिक्स जोड़ाना चाहिए बी यानी कि फाइव आना चाहिए, तो कौन से फैक्टर होंगे, टू और थ्री, प्रोडक्ट प्लस सिक्स आता है जोड़ प्लस फाइव, और इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन एक्स पहला फैक्टर आपका प्लस टू इंटू एक्स दूसरा ये फैक्टर आपका प्लस थ्री, तो उसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। ओके नाउ वी विल सी एग्जांपल, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली 104 इंटू 96। ये 104 इंटू 96 ये प्रोडक्ट हमें विदाउट मल्टीप्लाइंग करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी का यूज करके, तो हाउ टू फाइंड इट। तो ये 104 इंटू 96 हम लोग स्प्लिट करेंगे, हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो दो नंबर है ये हमें प्लस और माइनस के फॉर्म में इसी तरह करना है कि उनकी दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम आनी चाहिए, उसी तरह सेकंड टर्म भी सेम आनी चाहिए, उसी तरह ये दो नंबर स्प्लिट करके लिखना है। तो ये 104 हमने स्प्लिट किया है 100 इंटू 100 प्लस 4, 96 स्प्लिट किया है 100 माइनस 4। देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम आ गया, सेकंड टर्म सेम आ गया, सिर्फ बीच में साइन प्लस और माइनस, यानी कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हमने लाया। ओके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसके फॉर्म में आ गया, ए की जगह क्या आपका 100 है, बी की जगह 4 है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आइडेंटिटी का यूज हम लोग करेंगे, ए यानी कि आपका 100 है, बी यानी कि 4 है, तो ए स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, समझ में आ गया आइडेंटिटी। और 100 का स्क्वायर होता है आपका यहाँ पे दो जीरो है, तो स्क्वायर में चार जीरो यानी कि ऊपर चार जीरो यानी कि 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 10,000 में से 16 माइनस किया तो वी गेट 9,984, so we get the product of 104 into 96 is 9,984. तो इसी तरह हम लोग कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज, अभी ये एक आइडेंटिटी हमने देखी सेवन, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब, ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन कैसा होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, एक्स का एक्सपेंशन होता है क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म या फिर क्यूब है। ओके माइनस वाई क्यूब मीन्स सेकंड टर्म का क्यूब, माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वाई यानी कि थ्री इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म माइनस एक्स वाई यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये आइडेंटिटी आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना है, इसका एक्सपेंशन कैसा करना है। देखिए फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, फर्स्ट टर्म
माइनस सेकंड टर्म ब्रैकेट क्यूब, इसका एक्सपेंशन क्या करना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसी तरह ये याद करना है और उसका यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें कोई भी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो फाइव यू पी माइनस थ्री क्यूब ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन करना है। ओके, तो ये कंपेयर करेंगे हम लोग ये आइडेंटिटी से एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, तो एक्स की जगह आपका क्या है, यहाँ पे फाइव यू पी है, वाई की जगह आपका थ्री क्यू है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका फाइव यू पी है, सेकंड टर्म आपका थ्री क्यू है। तो अभी यूजिंग दिस सेवन आइडेंटिटी इसका यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपका फाइव यू पी माइनस थ्री क्यूब ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपका फाइव यू पी है उसका क्यूब, माइनस क्यूब ऑफ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आपका थ्री क्यू है उसका क्यूब, माइनस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म फाइव यू पी इंटू सेकंड टर्म थ्री क्यू इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म यानी कि फाइव यू पी माइनस सेकंड टर्म यानी कि थ्री क्यू। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड एज इट फाइव पी का क्यूब, फाइव का क्यूब होता है 125, पी का क्यूब पी क्यूब, ये क्यूब हो गया 125 पी क्यूब माइनस इसका क्यूब 27 क्यू क्यूब। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ये 3 × 5 × 3 कितना हो गया 45 और पी इंटू क्यूब 45 पी क्यूब, तो ये प्रोडक्ट आपका आ गया 45 पी क्यूब। इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया 5p को, तो 45pq × 5p ये आपका होगा 225p² q, क्योंकि p इंटू पी पी स्क्वायर हो गया। फिर से देखिए ये जो प्रोडक्ट है आपका ये 3 × 5p × 3q, ये प्रोडक्ट आपका आता है −45pq। ओके, ये यानी कि ब्रैकेट के बाहर −45pq है। इससे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हमें, यानी कि 5p को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45pq × 5p, तो ये माइनस आएगा प्रोडक्ट, और 45 × 5 का प्रोडक्ट होता है 225, ये p इंटू पी आपका पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये प्रोडक्ट आ गया −225p² q। ओके, उस तरह अभी ये −45pq से ये सेकंड टर्म −3q को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो गया, ये 45 × 3 का प्रोडक्ट 135, ये पी एज इट एंड ये क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, तो ये प्रोडक्ट हो गया 135pq². तो इसी तरह ये ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन हो गया। ओके, तो ये फॉर्मूला का यानी कि ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग कोई भी ब्रैकेट क्यूब का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व सेम एग्जाम्पल्स। नाउ चेक 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो हमें चेक करना है कि ये 7 + 3x ये जो पॉलिनोमियल है आपकी, कौन से पॉलिनोमियल 3x³ + 7x इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर कब हो सकता है, यदि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है देन दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एंड यदि 0 नहीं आता है तो नॉट अ फैक्टर। तो हमें इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा, और यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसका रिमाइंडर निकालने के लिए पहले हमें, यानी कि ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंड है, तो पहले इस डिवाइजर का हम 0 फाइंड आउट करेंगे। तो 0 ऑफ 7 + 3x पहले निकालते हैं, तो इसका 0 निकालने के लिए उसको इक्वेट करते हैं हम लोग 0 के साथ, यानी कि 7 + 3 0 के साथ इक्वेट किया और सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, एंड दिस वैल्यू ऑफ x इज 0 ऑफ दिस डिवाइजर, तो ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले 7 ट्रांसफर किया तो 3x इज इक्वल टू प्लस 7 बिकम −7, बाद में 3 ट्रांसफर किया तो x इज इक्वल टू −7/3, तो 0 ऑफ दिस डिवाइजर आपका आ गया −7/3, 0 ऑफ 7 + 3x इज −7/3। ओके, अभी ये px जो पॉलिनोमियल दी गई इसको px से डिनोट किया और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 + 3x से, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, p इज इक्वल टू 0 ऑफ द डिवाइजर, डिवाइजर आपका 7 + 3x है और 7 + 3x का 0 आपका है −7/3, तो p ऑफ 0 ऑफ डिवाइजर मीन्स p ऑफ −7/3। ओके, तो p ऑफ −7/3 हमें फाइंड करना है, रिमाइंडर मीन्स p ऑफ −7/3,
तो पी ऑफ माइनस सेवन बाय थ्री का मतलब ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स है इसमें एक्स की जगह माइनस सेवन बाय थ्री पुट करना है। तो थ्री एक्स क्यूब मीन्स थ्री इंटू एक्स की जगह माइनस सेवन बाय थ्री उसका क्यूब, ओके। बाद में प्लस सेवन एक्स है तो प्लस सेवन इंटू एक्स की जगह माइनस सेवन बाय थ्री, ये थ्री एज इट। अभी माइनस सेवन का क्यूब होता है माइनस 344, 343, डिनोमीटर में थ्री का क्यूब 27, तो ये इसका क्यूब आ गया माइनस 343 बाय 27। यहाँ पे ये सेवन से मल्टीप्लाई किया तो सेवन इंटू माइनस सेवन माइनस 49 बाय थ्री, ओके। यहाँ पे आप लोग ये थ्री इंटू माइनस 343 बाय 27 है, तो ये थ्री से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, थ्री वन जा वन, थ्री नाइन जा, तो ये आएगा आपका माइनस 343 बाय 9, ओके। माइनस ये 43 बाय 9 एज इट, तो ये स्टेप आपका गया माइनस 343 बाय 9 माइनस 49 बाय 3, ये स्टेप है आपका। अभी ये सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। इनका एलसीएम है 9, ऑलरेडी यहाँ पे 9 है, तो इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और न्यूमरेटर एज इट माइनस 343 एज इट, माइनस यहाँ पे डिनोमीटर आपका 3 है, 9 चाहिए, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, तो ये 49 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 49 इंटू 3 होगा माइनस 147, ओके। अभी देखिए न्यूमरेटर में माइनस 343 और माइनस 147 इनका जोड़ होता है माइनस 490, ये जोड़ हो गया आपका माइनस 490, डिनोमीटर में 90, तो ये आपका गया रिमाइंडर आपका गया माइनस 490 अपॉन 9 एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो है क्या, नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो नहीं है, तो देयर फोर दिस डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी कि 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x, सो 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं है, ओके। क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया है, यदि रिमाइंडर जीरो आता है तो फैक्टर है, ओके। तो हमें क्या करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर कैसे निकालना है, पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर, जो डिवाइजर है उसका जीरो लेना है, ओके। तो आपका डिवाइजर ये था, तो उसका पहले हमने जीरो फाइंड किया और फिर बाद में पी ऑफ जीरो ऑफ डिवाइजर यानी कि पी ऑफ माइनस सेवन बाई थ्री निकाला और वो आपका वैल्यू आया था माइनस 490 अपॉन 9 एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ये जीरो न होने के कारण योर डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड यानी कि 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, ओके। सो फ्रेंड्स ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम टाइप, वन मोर एग्जाम्पल without actually calculating the cubes find the value of minus 12 cube plus 7 cube plus 5 cube, ये इसका value without cube ना करते हुए ये value निकालना है, यानी कि हमें identity का use करना है। तो हमने एक identity देखी है, यदि x plus y plus z is equal to 0 आता है, okay, फिर से if x plus y plus z का value यदि 0 आता है तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये जो एक क्यूब का जोड़ 3 टाइम x y z होता है, तो ये आइडेंटिटी का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ये माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसमें ये माइनस 12 x मान लेते हैं, 7 को y बोलेंगे और z को 5 बोलते हैं, तो यहाँ पे हियर x इज इक्वल टू माइनस 12 y इज इक्वल टू 7 z इज इक्वल टू 5। अभी इनका जोड़ करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 और ये जोड़ आता है आपका जीरो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ गया, अंत x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है आपका 3xyz। तो इसी तरह ये आइडेंटिटी का यूज किया, तो x क्यूब यानी कि माइनस 12 क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 7 क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम x यानी कि माइनस 12 इंटू y यानी कि 7 इंटू z यानी कि 5, तो माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज 3 टाइम माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5, तो लेफ्ट साइड एज इट और ये प्रोडक्ट राइट साइड में आता है आपका माइनस 1260, सो वी गेट माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज माइनस 1260। तो इसी तरह ये क्यूब का जोड़
3 क्यूब का जोड़ इसी तरह आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू सॉल्व सेम एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सरसाइज और आल्सो फ्रॉम योर रेफरेंस बुक्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9420439784। सो ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ गुड डे।